इसके बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में। ये मैडम आप पढ़ चुके हो पिछली क्लासेस में, आप आईसीएसई के हो ना, आप पढ़ चुके हो 6-7 एर्थ में, ठीक है। सो ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होते हैं? तो ऑपरेशंस हम लोग लगाते हैं सेट्स के बीच में, जैसे मैथ्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन होता है, वैसे ही सेट्स के बीच में भी हम कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बेसिक्स हैं सेट्स के, जो आगे चल के अभी आपके 11th में काम आने वाले हैं। सबसे पहला होता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स में डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? सो दो या दो से ज्यादा सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं अगर उनके बीच में कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे एक सेट है 2, 4, 8, 10 इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। दूसरा है इवन सॉरी ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब इनके बीच में अगर कॉमन एलिमेंट्स निकाले जाए तो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? फाई, ठीक है। इसको हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट में डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट हो गया दो या दो से ज्यादा सेट्स। सो हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन ऑन सेट्स में, जो पहला ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स का मतलब दो या दो से ज्यादा सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये सब लिखते चले जाना अपनी अपनी भाषा में, वरना समझ में नहीं आएगा, बाद में पूछेंगे तो कहोगे पता नहीं, ठीक है। सो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट ए एंड सेट बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन में जो सबसे पहला ऑपरेशन आता है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले साइन से, उल्टा यू, यू को उल्टा कर दो तो ये जो होता है ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स के बीच में अगर ये इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगा है, सो दैट मीन्स उनका कॉमन पार्ट, ओवरलैपिंग पार्ट, वो पार्ट जो दोनों में सेम टू सेम है, ठीक है। इसको हम लोग अगर वेन डायग्राम से देखें तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम। ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल है दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्साइलन। दो सेट्स हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। ये जो सर्कल्स हैं, ये जो ऑडी का जो साइन होता है ना, सर्कल्स होते हैं, वही वाले सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। तो सेट ए है ये और सेट बी है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए अलग है बी अलग है, ये हो गया डिसजॉइंट सेट। तो ये जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है ये क्या बताता है? ये बताता है द कॉमन पार्ट बिटवीन टू और मोर सेट्स, ठीक। जैसे यहां पे देखिए ये वाला, ये है आपका इंटरसेक्शन, इसको हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी के बीच में जो कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट जो दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ठीक है। ये वेन डायग्राम से समझने वाली बात है। सो डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है? जो इंटरसेक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं, ये सारी चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं बताता हूं यहां से। ऑपरेशंस में सबसे पहले आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेसिकली कॉमन पार्ट बिटवीन टू सेट्स, कॉमन पार्ट बिटवीन टू सेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 6, 7। अगर हमको यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? यहां से इन दोनों में जो कॉमन पार्ट्स आ रहे हैं वो हम लोग इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं? वेरी गुड, 1, 2 एंड 3। सो 1, 2, 3 इसमें भी है, 1, 2, 3 इसमें भी है, तो इनके बीच में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? 1, 2, 3। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। समन्विता यहाँ पे क्लियर है ये चीज? यस। सो ये इंटरसेक्शन समझ में आया। इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में कुछ इस प्रकार से कि अगर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है तो इनके बीच का ये जो कॉमन पार्ट होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। दूसरा जो होता है इंटरसेक्शन के बाद वो आता है यूनियन। सेकेंड ऑपरेशन इज यूनियन। यूनियन में क्या होता है? यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इसको हम लोग लिखते हैं दो सेट्स के बीच का यूनियन, ए यूनियन बी। सो लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 4। अगर हमको यहां से यूनियन निकालना है ए और बी का, सो ए यूनियन बी में हम लोग क्या करेंगे? ए यूनियन बी में हम लोग बेसिकली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं होता, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। और आप सेट्स में किसी भी नंबर को आगे पीछे लिखो तो ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है, टेकन इन टू एनी ऑर्डर। तो अगर इसके यूनियन लिखेंगे तो यूनियन का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
डी। तो अब 1 2 3 तो इसमें भी आ रहा है, 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, तो 1 2 3 एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे जो आ रहा था 4, वो भी लिख दिया। सो ए यूनियन बी का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, सो अगर ये सेट है ए, ये सेट है बी, तो इसका जो यूनियन वाला पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट होता है पूरा, ए और बी के पूरा पूरा सेट, ये जो हो गया ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज ए यूनियन बी, ठीक है, इसको लिख लो। सो अगर एक सेट हमको दिया है ए, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपोजिट। जैसे अगर हम बोले दिन का अपोजिट क्या होता है, रात। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है कॉम्प्लीमेंट। सो लेट्स से हमको एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 up to 10। सो नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, ये एक सेट दिया है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मतलब जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वो इसी सेट में कंटेन्ड है, राइट। एक सेट दिया है ए जिसमें दिया है 2 4 6 8 and 10, और दूसरा सेट दिया है बी जिसमें दिया है 1 3 5 7 and 9। ये दो सेट्स दिए। अब हमसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज ए डैश। सो ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश का मतलब हो जाएगा अपोजिट ऑफ ए। सो अगर ए को आप ध्यान से देखें तो ए क्या है, इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, तो 1 3 5 7 9। और अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 and 10। अब बेसिकली हमने फाइंड कैसे किया, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो ये मैकेनिज्म समझो। सो बेसिकली अगर हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है किसी भी सेट का, अगर हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दिस विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से वो वाले एलिमेंट्स हटा दो जो सेट ए में आ रहे थे। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 10 तक, इसमें से हमने ये 2 4 6 8 10 हटा दिया, तो बचा क्या, 1 3 5 7 9। सिमिलरली अगर बी डैश निकालना होता तो हम लोग फिर से यूनिवर्सल सेट में से बी वाले एलिमेंट्स हटा दीजिए तो आपको बी डैश मिल जाएगा, दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। समन्विता, इज दिस क्लियर टू यू, यस और नो? उसके बाद आता है डिफरेंस। तो डिफरेंस भी बेसिकली यही होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए माइनस बी, सो लेट्स से एक सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट दिए हैं 3 4 5 6 7। हमसे कहेगा फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। सो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, यहां पे समझिएगा। सो ए माइनस बी का मतलब हुआ, अगर ए माइनस बी करना है तो ए में वो सारे एलिमेंट्स जो बी में आ रहे हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो वाले एलिमेंट्स ए में से हटा दो। ए माइनस बी का मतलब हो गया ए में से वो वाले एलिमेंट्स हटा दो जो बी में भी कॉमन है। तो ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 3 4 5, तो a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, 1 2 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अगर b माइनस ए निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, लिख के बताओ, 6 7, वेरी गुड, 6 and 7, ठीक है, इसको लिख डालो। सो ये हो जाएगा डिफरेंस। सो सेट का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो इस तरीके से आ जाता है। इसको अगर अपन वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, तो अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये वाला सेट है अगर a, ठीक है, और ये वाला सेट है बी। सो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी बराबर होगा इस वाले पार्ट के, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्योर ए। मतलब हमने ए में से वो वाले एलिमेंट्स हटा दिए जो बी के साथ कॉमन थे, ठीक है। तो ये आ गया किसके बराबर, ए माइनस बी के बराबर। सो दिस इज ए माइनस बी वेन डायग्राम से, ठीक है। और अगर हम B में से वो वाले एलिमेंट्स हटा दे जो सिर्फ A में थे, जो दोनों में कॉमन थे बेसिकली, सो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा B माइनस A के, समझ आया। सो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटा देंगे और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। सो A माइनस बी इज बेसिकली प्योर A एंड B माइनस A इज बेसिकली प्योर B। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? समन्विता, इज दिस क्लियर टू यू, यस और नो? अगर क्लियर है तो ये वाला यहाँ पे तो जो था कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। सो अगर एक सेट है आपका ए और ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, राइट। तो ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का मतलब हो गया ये वाला सारा पार्ट,
ये क्या हो जाएगा सर, ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम से ऐसे होता है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट बता दिया, डिफरेंस बता दिया, ठीक है। इसके बाद हाँ, रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का रूल, अगर फाई दिया है, फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। फाई क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का अपोजिट क्या होता है, सब कुछ। सब कुछ क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नथिंग का अपोजिट क्या होता है, एवरीथिंग। सो नथिंग इज फाई एंड एवरीथिंग इज एप्साइलन। सिमिलरली अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है। एवरीथिंग का अपोजिट नथिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ए का यूनियन निकाला जाए ए के कॉम्प्लीमेंट से, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एप्साइलन के बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये समझो, यूनियन का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अलोंग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दूसरा सेट ए डैश। तो अगर हम लोग इसको ए बोल रहे हैं तो ए सेट क्या होगा, ये वाला सेट, राइट। और ए डैश अगर निकाले यहां से तो ए डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए डैश बराबर आ जाएगा इस वाले पार्ट के, राइट। अब इन दोनों में अगर हम लोग ए के सारे एलिमेंट्स लिख लें और बाहर वाले सारे एलिमेंट्स लिख लें, तो हमको जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। नहीं समझ में आया, आ गया नहीं आया, आ गया समन्विता, आ गया। तो ये जो सेट मिलेगा ये क्या है, ये है यूनिवर्सल सेट। सो ए का ए डैश के साथ अगर यूनियन निकाला जाए तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अभी आपको आगे काम आएंगी। सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन ए डैश से निकाला जाए, सेट उसका कॉम्प्लीमेंट, उनके बीच में कॉमन टर्म्स निकाले जाए, तो क्या आएगा, फाइ, कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट वाला भी बताया आपको, जैसे ये था, जैसे ये है, ए है सेट 2 4 6 8 10, ए का डैश क्या है 1 3 5 7 9, इनके बीच में कॉमन पार्ट क्या है बताओ, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकाला जाए तो क्या आएगा, फाई आएगा भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। और अगर इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 अप टू कहां तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। तो ए का यूनियन ए डैश से निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए डैश से निकालोगे तो फाई आएगा, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा, ये भी काम आएंगे आगे, ठीक। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपने पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने मैथ्स में पढ़ी है, जैसे 2 + 3 + 4 ऐसे करो, या 2 + 3 + 4 ऐसे करो, दोनों का आंसर सेम आता है। एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब 2 और 3 को पहले जोड़ो फिर उसमें 4 जोड़ो, या 3 और 4 को पहले जोड़ो फिर उसमें 2 जोड़ो, तो जो भी आंसर आएगा 9 वो दोनों में 9 ही आएगा, इधर भी 9 आएगा उधर भी 9 आएगा, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस इन दिस ऑपरेशन ऑल्सो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, उल्टा लिख दिया है, ये यूनियन होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जैसे बचपन में वो पढ़ा था ना, मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 + 4, या ऐसे भी ना करें, इसको ऐसे लिखे ए इंटू बी प्लस सी, तो इसको क्या लिख सकते थे, ए बी प्लस ए सी, ये तो लिखते थे, ए को मल्टीप्लाई करते थे बी से, फिर प्लस का साइन लगाते थे, फिर ए को मल्टीप्लाई करते थे सी से। वही चीज यहां पे चल रही है, ए का यूनियन बी के साथ, फिर बीच में साइन इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन सी के साथ, ठीक है। सेम इंटरसेक्शन के साथ भी होता है, अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी, बीच का साइन यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको भी लिख लीजिए। सो ये सारी बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको अभी आएंगी काम, और इन्हीं के बेसिस पे अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं इसके बारे में,
होता क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, ये समझते हैं। सो डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है अगर ए यूनियन बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली होता क्या है कि यहां पे जो ए और बी है उसके ऊपर डैश आ जाता है और ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है यूनियन से किसमें, इंटरसेक्शन में। सिमिलरली अगर हमको लिखा है ए इंटरसेक्शन बी टोटल का डैश, तो ये आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। हाँ, तो हम लोग यूनियन के ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो यूनियन का मतलब हो गया अगर एक सेट दिया है 1 2 3 4, दूसरा सेट दिया है 3 4 5 6, तो जब यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा यूनियन, मतलब सारे एलिमेंट्स। इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ए का ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ए का ए के साथ यूनियन निकाला जाए तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, अब रिपीट तो कर नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। ए का यूनियन अगर फाई के साथ निकाला जाए तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। ए का यूनियन अगर एप्साइलन के साथ निकाला जाए यानी यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के आपने जैसे ही सारे एलिमेंट्स लिख दिए तो वो क्या हो जाएगा, वापस यूनिवर्सल सेट में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने बचपन में पढ़ा था 2+3 बोलो या 3+2 बोलो, बात एक ही होती है, आंसर दोनों से 5 आता है। तो वही वाली चीज है, आप ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वही वाली बात है, ए यूनियन बी यूनियन सी बोलो या ए यूनियन बी यूनियन सी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। मतलब आप ए और बी का यूनियन निकालो फिर उसका यूनियन सी से निकालो, या आप बी और सी का यूनियन निकालो और फिर उसका यूनियन ए से निकालो, आंसर एक ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको करके देख लो जरा एक बार। सो लेट्स से हमारे पास ए ए है, बी ए है, सी एक सेट दिया है 2 3 4 5, निकालो जरा इसका LHS RHS निकालो, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ए का यूनियन निकालो बी से, फिर जो आएगा उसका यूनियन निकालो सी से, करो इसको ट्राई करो, ये वाला 5 7 8 ये था, ठीक है। चलो अब सबसे पहले अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी में तो यही आएगा, LHS देखते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसका यूनियन निकाले सी के साथ, तो इसका यूनियन निकाले सी के साथ मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी अलॉन्ग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हम लोग निकालेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। सिमिलरली बी यूनियन सी निकालोगे तो क्या आएगा, बी और सी का यूनियन निकालोगे तो बी यूनियन सी आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका यूनियन ए से निकालोगे तो ए के भी एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, अब ए में कौन सा एलिमेंट बचा, बस 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते, इसको यहाँ पे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव कहते हैं। कॉम्यूटेटिव मतलब ये वाली प्रॉपर्टी, और ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है अगर, अगर नहीं, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर आप करोगे तो आपको जो सेट मिलेगा उसमें ये एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखो ए जो है इसका सबसेट है कि नहीं है, है। सिमिलरली बी भी जो है वो इसका सबसेट है कि नहीं है, है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सिमिलरली बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आ गया, क्योंकि ए यूनियन बी को जब आप लिख रहे हो तो उसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, तो ए भी उसी सेट का पार्ट है और बी भी उसी सेट का पार्ट है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सिमिलरली बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये भी लिख डालो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी। ये क्या हुआ, मैं कह रहा हूं अगर ए बी का सबसेट है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए अगर बी का सबसेट है तो हम लोग ले लेते हैं बी, लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए ले लेते हैं 1 2 3। सो यहां पे क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक, ए के एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी अगर हम यहां से निकालेंगे तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, 1 2 3 4 5।
मतलब अगर एक पापा सेट है और उसके अंदर एक छोटा बच्चा सेट है, उन दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? पापा सेट के बराबर ही आएगा। जैसे अगर वेन डायग्राम से देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये सेट है ए और इसके अंदर एक छोटा सा सेट है बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इनका अगर यूनियन निकालोगे तो यूनियन निकाल के क्या आएगा? यही वाला तो आएगा पूरा, और ये पूरा क्या है? ए के बराबर है। सो अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यहां से दूसरी चीज भी लिख सकते हैं, अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन वी कैन से ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू व्हाट? ए, पापा सेट, ठीक है। तो अगर एक बच्चा सेट है और एक पापा सेट है, उनके बीच का अगर यूनियन निकालोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? पापा सेट, बड़ा वाला सेट। ने बोला अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो एक बड़ा सेट है बी और इसके अंदर एक छोटा सेट आ रहा है ए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यूनियन में मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। अब ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो, तो बेसिकली हमको क्या मिल रहा है? बी के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और जब यूनियन निकालोगे तो क्या होगा? ये सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, तो जब ये सारे एलिमेंट्स लिखे, ये किसके बराबर आ गया? बी के बराबर आ गया, ठीक है। तो एक बड़ा सेट, एक उसके अंदर छोटा सेट, उन दोनों का यूनियन निकालोगे तो हमेशा बड़ा वाला सेट ही आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखिए। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कॉमन पार्ट जो होता है। इंटरसेक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? जैसे ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको यहां से निकालना है, यही वाले सेट्स दिए हैं, तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? 3 4 दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन भी किसके बराबर आ जाएगा? 3 4 के बराबर आ जाएगा। अब ए का ए के साथ कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? ए ही तो आएगा, ठीक है। सिमिलरली ए का अगर फाई के साथ कॉमन पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा? फाई। ए का अगर हम कॉमन पार्ट निकाले कुछ नहीं के साथ तो क्या आएगा? कुछ नहीं, राइट। अगर ए का कॉमन पार्ट निकाले एप्साइलन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आएगा? ए। नहीं समझ में आया? वेन डायग्राम से देखो, जहां ना समझ में आया पूछ लेना, मैं वेन डायग्राम से समझा दूंगा। ये है, ठीक है, एप्साइलन ये है, इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या है? यही वाला तो कॉमन पार्ट है, ठीक है। लेट्स से, ऐसे नहीं समझ में आया तो दो कलर से देखो, ये सेट ए है, तो सेट ए के एलिमेंट्स जो है ये आ रहे हैं, ठीक है, और एप्साइलन के जो एलिमेंट्स हैं वो ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इनमें कॉमन पार्ट क्या है? ओवरलैपिंग पार्ट कौन सा है? ओवरलैपिंग पार्ट यही वाला तो है, यहीं पे तो है, जो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो एप्साइलन का यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाले ए के साथ तो क्या आएगा? ए। यूनियन निकालते तो क्या आता? एप्साइलन, यूनिवर्सल सेट, लेकिन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? ए, ठीक है। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी टेकन इनटू एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में ले लो उसको, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी विल बी द सबसेट ऑफ ए। अब ये प्रॉपर्टी कैसे आएगी ये देखो। So, जैसे हमने बात किया था ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6, ठीक है। हम यहां से क्या निकाल लें? ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया? 3 4 के बराबर आया। तो हम यहां से ये कह सकते हैं 3 4, हम यहां से ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और ये भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। हाँ या ना, सही है। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वही एलिमेंट्स है जो ए के अंदर आ रहे हैं, और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वही एलिमेंट्स है जो बी में आ रहे हैं। तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग निकालें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब अगर ये बड़ा वाला सेट है बी, इसके अंदर एक छोटा सा सेट आ रहा है ए, ठीक है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां पे दिखाई दे रहा है। अब इनके बीच का अगर कॉमन पार्ट निकाला जाए तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? यही तो आएगा, है ना। सो अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये रटना नहीं है, ये आपको वेन डायग्राम से देख देख के समझना है बस, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है, लेकिन उसके बाद भी ये याद होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज 7 प्रॉपर्टीज इसकी इंटरसेक्शन की लिख लो, और 7 प्रॉपर्टीज यूनियन की लिख लो, ये लिख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चलो इसको सॉल्व करो और बताओ।
इसको सॉल्व करना शुरू करो, फिर इसको चेक करेंगे। यूनिवर्सल सेट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ए यूनियन बी टोटल का डैश निकालना है, ए माइनस बी टोटल का डैश निकालना है। चलिए निकालिए। सो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी में हम लोग ए के सारे एलिमेंट्स अलोंग विद बी के सारे एलिमेंट्स। सो ए यूनियन बी में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लोगों का सही आया? आ गया समन्विता, सही था, ग्रेट। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 2 3 4 5, ये आ गया। कितने लोगों का सही? सही, वेरी गुड। थर्ड, ए माइनस बी, ए में से वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो बी में और ए में कॉमन है, तो 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, सो बचेगा 1, 6। कितने लोगों का सही? सबका सही, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए पहले बी डैश निकालना पड़ेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। सो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप्साइलन में से बी माइनस कर देंगे, तो बचेगा 1, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया, 6 आ जाएगा, 7 हट गया, 8 हट गया, तो 1, 6। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी डैश में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 1, 6, तो 1, 6 आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश। किसका किसका सही है? सबका सही है। समन्विता सही है बेटा, ग्रेट, ओके। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये कैसे निकाल सकते हो, या तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, या डायरेक्ट ए यूनियन बी निकालो और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए यूनियन बी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो एप्सिलॉन में बचे, तो कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, क्या आएगा, 5। नथिंग इज द फाइनल आंसर, 5, ठीक है। फाई को फाई लिखना है, ऐसे करके फाई ना लिखना, वो गलत हो जाएगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, ठीक है, ओके। ए माइनस बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट, तो ए माइनस बी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1, 6, तो एप्साइलन में से 1 और 6 हटा दो, तो क्या बचेगा, 2 3 4 5 7 एंड 8, तो ये आ गया ए माइनस बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट, ये सबका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ये भी कुछ वैसा ही है जैसा भी हम लोगों ने किया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, हिंट ये है, सारे ही सेट्स को कन्वर्ट कर लो रोस्टर में और फिर कर लो, आ जाएगा आंसर। अगेन आई विल बी गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट लो इसको करके बताओ। सारे सेट्स दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले उसको कन्वर्ट करो रोस्टर में और फिर कर लो, आराम से हो जाएगा, करो। डेसिमल सिस्टम होता है 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 9 तक, डिजिट इन डेसिमल सिस्टम का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले सेट्स को लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या हो गया, आखिरी बच्चा है, कोई बात नहीं, देखो। सो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो एप्साइलन हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ए एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर, अब जो ये ऑड इंटीजर होगा ये यूनिवर्सल सेट से ही निकलेगा, ठीक है। तो ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। बी क्या है, इवन इंटीजर, 2, 4, 6, 8, बस, ठीक है। सी क्या है, एक्स इज दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, सो हमको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले क्या निकाल लो, ए यूनियन बी, तो अगर ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एप्साइलन आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, एप्साइलन के, और एप्साइलन का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आता है, 5, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते थे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी अलोंग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी, से आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। अब इसका क्या निकालना है, ए के साथ इंटरसेक्शन, दैट इज कॉमन पार्ट बिटवीन ए एंड दिस। अब इसमें और कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 1, 3, 5, बस 1, 3, 5, सो ये आ जाएगा 1, 3, 5। कितने लोगों का सही आया, ए माइनस सी, सो ए में से सी अगर करेंगे माइनस, सो सी वाले हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या बचेगा, 7 एंड 9, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी डैश, अब सी डैश अगर निकालेंगे तो सी डैश में क्या आ जाएगा, इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स, तो ये आ जाएंगे
ए माइनस सी किया, ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जो सी में आ रहे हैं. सो ए में से कौन कौन से एलिमेंट हटा दिए, वन हटा दिया, थ्री हटा दिया, फाइव हटा दिया, क्या बचा, सेवन और नाइन. ठीक है, फिर सी डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स सेवन एट नाइन. ठीक है, अभी क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी डैश. सो ए और सी डैश में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, सेवन एंड नाइन. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश निकालो सबसे पहले. बी डैश क्या है, इवन वाले नंबर्स, तो बी डैश किसके बराबर आ जाएगा बेसिकली, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का डैश. ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था क्या, नहीं निकाला था. ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ऑड है, वो इवन है ना. ए और बी में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट आ जाएगा फाइव. फाइव का डैश करोगे तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट. ठीक है, लास्ट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला क्या, नहीं निकाला, निकाल लेते तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन पार्ट, तो बी और सी का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, टू फोर, यही आ रहा है. ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी आ गया टू फोर. अब ए में से माइनस कर दें टू फोर, तो ए में टू फोर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के ही बराबर आ जाएगा, मतलब वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन, ये आ जाएगा फाइनल पार्ट. ए यूनियन बी में अगर करोगे, अच्छा 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 ठीक है, हाँ ए यूनियन बी अगर हम लोग करेंगे, पहले वाला गलत है, मैंने गलत बताया, तुम सही कह रहे हो, पहले वाला मैंने गलत बताया. ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी में आ जाएंगे कौन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, जीरो नहीं आएगा. और ए यूनियन बी का डैश करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर. तो पहले का आंसर है जीरो, ना कि फाइव. ठीक है, इसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये हमारे ऑपरेशंस पे ही बेस्ड है, और यही वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही वाले क्वेश्चंस आते हैं.